हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीडब्ल्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे पूरी बीडब्ल्यू की सीरीज होने वाली है। मुझे भी पता, बीडब्ल्यू में बहुत सारे सम्स आएंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन और वो हम सब करेंगे। लेकिन वो सब करने के पहले तो कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए, समझ रहे हो? तो आज अपन बेसिक देखेंगे, आगे के वीडियोस में हम सम्स भी करेंगे। पास होने जितना तो मैं आपको करा ही दूंगा। तो भाई शुरू करते। देखो बीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो वो बीडब्ल्यू नहीं, बी ट्रिपल ई, मैं तो पहले बीडब्ल्यू बोलता था, लेकिन ये बी ट्रिपल ई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते भाई। देखो यार, बी ट्रिपल ई पढ़ने के पहले आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। तो पहली चीज है जिसमें किसको कहते हैं करंट, फिर है अपना वोल्टेज, फिर एक और है रेजिस्टेंस। देखो भाई जितना मेरे को पता मैं उतना तो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट। तो करंट क्या होता है यार? ओ करंट भैया, यार इंसान को लगता है ना भाई, जब अपन छूते कोई वायर वेयर की चीजें को, तो क्या होता है करंट? तो करंट मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं। समझो एक मेटल का टुकड़ा है। क्या है? एक मेटल का टुकड़ा है। तो ये जो मेटल के टुकड़े होते हैं ना भाई, जिनसे करंट पास हो सकता है, उनको क्या कहते हैं पता है? कंडक्टर। इनको क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो जरूरी नहीं मेटल का टुकड़ा ही कंडक्टर हो सकता है, कुछ भी, एक ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर हो सकता है, जिससे करंट आराम से पास हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर करंट को चीज को पकड़ा है, तो मेरे को करंट लग रहा है, तो मेरे किसी ने मेरे को पकड़ा तो उसको भी करंट लगेगा, मतलब मेरे बॉडी से करंट पास होकर आगे फ्लो हो रहा है, तो वो होता है कंडक्टर। समझ रहे हो? तो कंडक्टर होता है, और जिस चीज से करंट नहीं फ्लो होता है उसको कहते हैं इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल ये लकड़ा है, प्लास्टिक है, रबर है, उनसे करंट फ्लो नहीं होता, तो उनको कहते हैं इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिलहाल तो अपन एक गुड कंडक्टर लेते हैं, तो एग्जांपल ले लो, इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। ये क्या हो गया? कंडक्टर। तो ये कंडक्टर जो भी होता है ना, फॉर एग्जांपल मेटल का टुकड़ा या कुछ भी, इसके अंदर है ना इलेक्ट्रॉन फुकड़ घूमते रहते। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अंडे से घूमते रहते, टाइम पास करते रहे, ये चल देख लेंगे, वाह ऐसा ना वैसा ना, क्योंकि ये आवारा बंदे। अब जैसे ही मैं इसमें वोल्टेज अप्लाई करता हूं, क्या अप्लाई करता हूं? वोल्टेज। तो क्या होता है पता? ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, उनको टपली मार के लाइन में आगे भेजता है वोल्टेज। क्या करता है? टपली मार के लाइन में आगे भेजता है। तो ये जो मेरा कंडक्टर था ना, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लाइन में, एक लाइन में आगे चुपचाप चलते रहेंगे। समझ रहे हो क्या? तो ये आप कह सकते हो मम्मी पापा है, या फिर कोई अच्छा सा टीचर है जो मार के बोला चल आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, तो वो है। समझ रहे हो क्या? वो जो इन छोटे आवारा बंदों को लाइन में लाने वाला बंदा, जो वोल्टेज है, और ये है क्या? करंट। अच्छे से बताता हूं क्या हो रहा है। बता, अभी इलेक्ट्रॉन है ना लाइन से आगे बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन अ लीनियर मैनर। समझ रहे हो? तो जिस ये साइड अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो करंट ये साइड फ्लो होता है। जब ये साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट ये साइड फ्लो होता है। तो करंट का डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको कहते हैं करंट। समझ गए क्या कि एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको कहते हैं करंट। तो करंट का डेफिनेशन क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसको आइए भाई, ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन एक टाइम में मूव हो रहे हैं, तो ये साइड करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ये साइड मूव होंगे तो करंट ये साइड फ्लो होगा, इतना याद रखना। तो जितना चार्ज, यानी जितने इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम में मूव हो रहे उसको कहते हैं करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज को आप कह सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, पर यूनिट यानी टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं वोल्टेज पे। ठीक है, तो वोल्टेज को मैं इस तरह से कह सकता हूं कि वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज को ये लोग कहते हैं वर्क अपॉन चार्ज। तो मैं बताता हूं वोल्टेज यानी क्या हो गया। एक बैटरी है, इसमें पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये क्या है ना, इधर एक बल्ब है, मेरा बल्ब की हैंडराइटिंग ड्रॉइंग आप समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है ना बताए, जैसे मैंने बोला कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वायर है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो वायर है इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं भाई। तो ना ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है, तो यहां से ना इलेक्ट्रॉन भागेंगे लाइन में, यहां से क्या करेंगे, भागेंगे, यहां से इसके अंदर आएंगे, पास होंगे, और यहां पे वापस पॉजिटिव बोलेगा हाँ आ जाओ, एक्सेप्ट करता है।
तो वोल्टेज एक बंदा है जो क्या करता है पता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आते हैं ना तो धक्का मार के आगे भेजता है, ऊपर से जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको आगे भेज के वापस ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इधर क्या थी, ये थी क्या थी इलेक्ट्रिक, ये अपना सिंपल एनर्जी थी जिसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहां पे यूज हो रही है ना एनर्जी, तो ये एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो डिफरेंस हुआ है, समझ रहे हो, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो डिफरेंस आया है, इधर से पास होने के बीच में जो डिफरेंस आया है, ये जो वर्क हुआ है, तो वर्क अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, चार्ज यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वर्क, वर्क को क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी अभी वर्क हुआ है, वर्क क्या निकला, यहां पे देख जाके ये बल्ब इसने जलाया, समझ रहे हो, तो ये बल्ब जलाना है यानी ये एनर्जी को इस एनर्जी में कन्वर्ट करना, कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए कहते ये समझो ये वी वन है और ये वी टू है, तो वी वन माइनस वी टू ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज, तो वो वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज है कोई नहीं, बनता बंदा क्या करता है, पुश करता रहता है इलेक्ट्रॉन्स को नीचे के साइड, क्या करता है, पुश करता है इलेक्ट्रॉन को नीचे के साइड, तो वोल्टेज आप कह सकते हो पुशर है, या फिर वो टीचर है जो सब भगा रहा है, या फिर वो मम्मी पापा है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लाइन में लगा रहे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे, तो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका आपने इसका देखा रहेगा तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है रेजिस्टेंस। तो भाई ये अपना ना सिंबल, अपनी है ना ये ड्राइंग है ना, इसी से बता देता है कि क्या है, समझ रहे हो, आप फुल गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहे हो स्पीड में करके, और बीच में अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आपको अपनी स्पीड रोकनी पड़ेगी, तो आपके रोड में, समझ रहे हो, तो जो आप गाड़ी चलाते हो वो कौन है, वो बंदा करंट है, करंट को दौड़ाने के बीच, करंट जैसे चल रहा है और बीच में कोई रेजिस्टेंस आ गया, समझ रहे हो, जो भी रेजिस्टेंस आ गया यानी जो खड़बुड़ा रास्ता आ गया वो क्या है, रेजिस्टेंस है, जो भी खड़बुड़ा रास्ता आ गया वो रेजिस्टेंस है, या फिर आपके रास्ते में जो भी दिक्कतें आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो मेरी बात। तो रेजिस्टेंस का और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो क्या कह सकते, रेजिस्टेंस हमेशा होता है ना अपने कंडक्टर के अंदर ही होता है, रेजिस्टेंस हमेशा अपने कंडक्टर में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेटल है, एग्जाम्पल मेटल है तो उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जैसे मैं लकड़ा कह दूं तो उसमें इतना रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस है कि साला इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं होने देता, समझ रहे हो। तो रेजिस्टेंस होता कंडक्टर के अंदर ही है, ये तो इंसुलेटर है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, समझ रहे हो। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कम रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टेंस मतलब आपके जो खुला रोड है उसके बीच में जो स्पीड ब्रेकर्स है उनको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये तो हो गया, तीन चीजें पता चल गई। रेजिस्टेंस का यूनिट होता ओम्स, मतलब अगर पांच रजिस्टर है तो पांच ओम अपन डालते पीछे, मतलब ओम्स लिखा जाता है। ठीक है, तो अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं जिसको कहते हैं द वन एंड ओनली ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स के ओम्स एक बंदा था जिसने अपना लॉ निकाला था, वो क्या कहता है पता है, वो कहता है करंट, जो करंट है ना वो डायरेक्टली, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब क्या, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अगर करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। अगर करंट कम हुआ तो वोल्टेज भी कम होगा, अगर करंट कम हुआ तो वोल्टेज भी कम होगा, मतलब अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी बढ़ेगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या कहा गया कि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, समझ रहे मेरी बात। तो इसको एक और अच्छे से एग्जाम्पल से लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल समझो एक सिंपल सा रोड है जैसे छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, ठीक है, छोटे मोटे रेजिस्टेंस है तो करंट क्या होगा, करंट आराम से पास हो जाएगा, इधर से मैं वोल्टेज दे रहा हूं समझो यार 5 वोल्ट का दिया तो 5 वोल्ट में अपना करंट बहुत आगे तक चला जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस का जो रास्ता है वो ढाल में, ये रेजिस्टेंस है,
समझ रहे हो, ये रेजिस्टेंस है। अगर मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं तो भाई करंट कम होगा, क्यों पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट और वोल्टेज क्या होंगे, कम होंगे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट और वोल्टेज क्या होंगे, कम होंगे। तो अभी सिंपल सा आपको क्या ओम्स लॉ में क्या दिया रहेगा, आपको याद इतने रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर। ये सिंपल सा, मैं अपने अपने एग्जाम टाइम तो मैं इतने ही याद रखता था, और इसके बेस पे ही ना मैं तीनों फॉर्मूले बना लेता था। क्या करेंगे ना आपको एग्जाम में वो लोग कैसा पूछेंगे, और एग्जाम में पूछते भी नहीं है, ये तो बेसिक्स है, कहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, आगे आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना रहेगा ना, उसमें आएगा वी इज इक्वल टू आई आर। तो क्या बोलेंगे भाई कि सुमेर 5 वोल्ट का मेरा ये वोल्टेज है, 5 वोल्ट का वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस मेरा 2.5 ओम है, करंट कितना होगा। अपने को क्या पूछा गया, करंट पूछा गया, फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर, आर को नीचे डाल दो तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना है 2.5, तो कितना हुआ 1, 2। तो भाई करंट है 2 एम्पियर का, क्या है करंट 2 एम्पियर का। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और वोल्टेज का वी होता है। ठीक है, वोल्टेज का वी होता है, करंट का एम्पियर होता है। तो उसी तरह से अब क्या किया करेंगे वो लोग, अगली बार पता है आपको, अगली बार वो लोग क्या करेंगे, आपको देंगे कि सुबह ठीक है करंट 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस 2.5 है ओम, तो वोल्टेज कितना होगा। अरे सिंपल है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है मेरा 2, आर कितना है 2.5, तो 5 वोल्टेज होगा। तो उसी तरह से एक एक चीज दी रहेगी। तो ये तो था सिंपल बेसिक्स था कि भाई क्या होता है करंट, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है वोल्टेज, मुझे जितना पता था मैंने भाई बता दिया। ठीक है, ओम्स लॉ भी बता दिया, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ डाउट है तो भाई नीचे कमेंट करो, और कोई मिस्टेक किए तो वो भी कमेंट करो, हो सकता है यार इंसान हो भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार शेयर करो अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां भी करना है यार, अपने जैसे दोस्तों को तो शेयर करो जो अपनी तरह लास्ट राउंड पे पढ़ते। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए वंस मोर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारे और अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे सम्स आने वाले, जो भी है, सुपर पोजिशन है, थेविनियंस है, नॉर्टन्स है, मैश एनालिसिस है, सारे सम्स आने वाले। तो भाई बने रहिए चैनल से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अब भाई देख, ये तो हो गया भाई, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो मैंने बनाए इसके नोट्स, समझ रहे हो। तो इसके मैंने नोट्स बनाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है कि आप किस तरह से हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, पूरे BEE के नोट्स है, तो भाई फटाफट जाके डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।